गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई एम शिप्रा मिश्रा। आई विल टीच यू केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। सो चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टुडेज आर लेक्चर नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर 2। एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। व्हाट इज द एनर्जी इन जूल रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ द फिफ्थ बोर ऑर्बिट एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज -2.18 × 10⁻¹¹ अग्र। अब इसमें क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ जूल हमको बताना है और हाइड्रोजन जो है फर्स्ट बोर ऑर्बिटल्स एंड फिफ्थ बोर ऑर्बिटल्स और इसका हमको ये दिया हुआ है और हमको क्या पूछ दिया है, वेवलेंथ हमको यहाँ पर निकालना है ग्राउंड स्टेट का। ओके, तो ये जो एनर्जी है वो एग्र में दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो एग्र में दिया हुआ है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, देखो यहाँ पर एनर्जी, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -2.18 × 10⁻¹¹ बाई एन स्क्वायर यहाँ पर जेड स्क्वायर। क्लियर, ये इसका फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में जेड क्या होता है, जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे लिखो जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू -2.18 × 10⁻¹¹ एग्र। ये गिवन दिया हुआ है कहाँ पर, क्वेश्चन में। अब यहाँ पर सोचो 1 एग्र में कितना होता है, बोलो 2 − 2.18 × 10⁻¹¹। अब यहाँ पे लिखो 1 एग्र इक्वल टू 10⁻¹⁷ जूल होता है। ठीक है, इसको थोड़ा याद करना पड़ता है, 1 अग्र में 10⁻¹⁷ जूल होता है। क्लियर, अब यहाँ पे देखो अग्र लिखा हुआ है तो अग्र हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी जो होता है वो जूल में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे 2.18 × 10⁻¹¹। ठीक, अब यहाँ पे × 10⁻¹⁷। अब यहाँ पे 10⁻¹⁷ और यहाँ पे 10⁻¹⁷ दोनों को जब हम ऐड करेंगे -2.18 × 10⁻¹⁸ ओके। अब ये क्या आया, ये ग्राउंड स्टेट आया एनर्जी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को निकालेंगे। ठीक है, एनर्जी जो बोर ऑर्बिटल का 5 में था वो और जो फर्स्ट में था, फर्स्ट और 5 हमको दोनों चाहिए ना, तो एनर्जी इक्वल टू E5 − E1। क्लियर, अब यहाँ पर वही फार्मूला लगाओ ऊपर वाला, 2.18 − 2.18 × 10⁻¹⁸ अब यहाँ पर 1
वन क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना होता है वन, इसका स्क्वायर करेंगे बाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे फाइव है तो फाइव का होल स्क्वायर, क्लियर। माइनस, अब यहाँ पर भी ये करेंगे माइनस 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18, ठीक है, बाई यहाँ पे क्या था वन है, तो वन अगर हम यहाँ करेंगे तो सेम आएगा, यहाँ भी वन है तो वन वन से मान लो कैंसिल कर दिए, नहीं तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं होता। अब यहाँ पे देखो ये है, ठीक। अब इसमें से यहाँ से हम दो बात कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको कॉमन लो 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18, अगर हम कॉमन ले लिए माइनस के साथ, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1/25 ना, और यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लिए बाहर, ये माइनस भी, ये माइनस भी, यहाँ बचा क्या माइनस का 1 ना। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस का 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18, अब यहाँ पे 25 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस 25, क्लियर। अब 1 में से माइनस 25 जब जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 24, तो यहाँ पे लिखो माइनस 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 इंटू माइनस 24 बाई 25। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब यहाँ पे देखो माइनस 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18, अब यहाँ से जब एक जाएगा तो माइनस 24 आएगा, माइनस 24 बाई 25, ये जो माइनस है और यहाँ जो माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस जब हम करेंगे तो प्लस आता है, ठीक, माइनस इंटू माइनस जब हम करते हैं तो प्लस आता है, और यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे 24/25 है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 25 को 24 से, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पर एक बार फिर से लिखते हैं, जैसे 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 है ना, अब यहाँ पे 24/25 है, तो इस 24 को बाय 25 को 24 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा देखो 2.09, नहीं यहाँ पे 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 0.96 आएगा, ठीक है, 0.96 आएगा। अब इस 0.96 को जब हम इस 2.18 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो यहाँ पे आएगा ये वाला 2.0928 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल, क्लियर। अब ये आपका निकला क्या, ये जो है एनर्जी आई, क्लियर। अब ये जो एनर्जी आई, इसके बाद पूछा है कि वेवलेंथ क्या आएगा, ठीक है, तो हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं। वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है बोलो, लेमडा इक्वल टू एच सी बाई ई, ये देखो ये लेमडा है, ठीक है, ई क्या है, ई एनर्जी है, सी क्या है लाइट है, और ये एच क्या है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, तो एच की वैल्यू हम जानते हैं 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, और सी, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, लेमडा मीन्स वेवलेंथ हमको निकालना है, एनर्जी, एनर्जी जैसा कि अभी हम निकाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो लेमडा की वैल्यू निकालना है, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34, सी की वैल्यू क्या थी 3 इंटू 10 के पावर 8 था, बाई एनर्जी, एनर्जी क्या आई थी 2.09, ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल, ये जूल में रहता है मीटर पर सेकेंड में, और ये
ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे लेमडा लिखो। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सोचो, जैसे अगर हम ये है, ठीक, यहाँ पे पूरा लिख लो इसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें और इसको 2 से कैंसिल करें, कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे या तो हम इसको कुछ और मानेंगे तब भी ये निकल जाएगा, जानते हो कैसे। जैसे यहाँ पर ये है 3 × 6.626 × 10⁻¹⁴, यहाँ पे +8, अब ये -18 है, तो जब ऊपर जाएगा -18 तो +18 का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे माइनस है भाई, तो ये ऊपर लेके जाओगे प्लस में आएगा ना, तो यहाँ पे +18 लिखो। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 2.0928 है, यहाँ पे 9 है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को 2.1 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2.1 कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये है वैल्यू, ठीक, अब इससे काटो, 0.7 में कटेगा, है ना, तो 0.7 में यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 6.626 × 10⁻¹, अब यहाँ पे आएगा -34, ये जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे -1 है, देखो यहाँ 0.7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 × 10⁻¹, है ना, तो ये -1 जब ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो इसमें प्लस ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऐड करोगे इस यहाँ पर, यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तब यहाँ पे +1 ऐड होगा, ठीक। +1 ऐड करने के बाद इसको जब हम पूरा ऐड करेंगे फिर इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा कितना, -7 आएगा, यहाँ पे -7 आ गया। अब हम 7 को इससे डिवाइड करेंगे, देखो 7 × 9 = 63 होता है, तो यहाँ पे 6.6 है, यहाँ पे पहले पॉइंट लिख लो, फिर 9 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 बार, × 10⁻¹। अब यहाँ पे देखो, अगर हम 9 पॉइंट, इस पॉइंट को 4 के बीच में कर दे, 9 और 4 के, तो यहाँ पे 10⁻¹ हो जाएगा मीटर में, ठीक है। अब ये आपका लेमडा की वैल्यू आई, क्लियर, 9.46 × 10⁻¹ लेमडा की वैल्यू मीटर में आई। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, क्लियर। आप लोगों को जो समझ में ना आए आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, जिसमें देखते हैं, द एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवेन बाई −2.18 × 10⁻¹⁸ बाई एन स्क्वायर जूल। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम द n = 2 ऑर्बिट्स। What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? अब इसमें हाइड्रोजन एटम n1 हाइड्रोजन दिया है, तो n जो z है यहाँ पे 1 हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 ऑर्बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है और यहाँ पर एनर्जी निकालना, जैसा कि अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में किए थे, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 भी है, ओके। तो हम लोग चलो करते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर En की वैल्यू दिया हुआ है −2.18 × 10⁻¹⁸ बाई एन स्क्वायर जूल में, ठीक है। अब यहाँ से हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी =E∞ − E2। यहाँ पर यही सोच लो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
क्लियर। अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे डेल्टा ई इक्वल टू माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक। तो माइनस 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 2.18 इंटू 10 के पावर माइनस 18 बाई 4। अब हम लोग यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलो, करो इससे 4 से डिवाइड, 5 बार में जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5 बार में जाएगा 1 बचेगा, ठीक। यहाँ पे पॉइंट है 0.5, 5 बार में गया 1 बचा। अब यहाँ से 8 उतारेंगे तो 4 चार चौक 16, 16 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, 2 पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट उतार के 4 बचे 20, 5 बार इंटू 10 के पावर माइनस 18, ठीक इतना आएगा। अब यहाँ पे माइनस 18, अब आंसर क्या आया है बुक में, 5 और ये 4 के बीच में जब हम पॉइंट को रखेंगे 5.4 इन और 5 इंटू 10 के पावर में यहाँ पे 18 है तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, इतना होगा, ठीक। अब ये आपका क्या आया, इनर्जी, इनर्जी इक्वल टू 5.45 इंटू 10 के पावर माइनस 18 जूल आएगा, क्लियर। अब इसके आगे हमको क्या निकालना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। देखो अब यहाँ हम लोग को निकालना क्या है, वेवलेंथ, क्लियर। वेवलेंथ इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा ई, मीन्स इनर्जी जो कि अभी हम निकाले हैं, ठीक है। लेमडा यहाँ पर क्या है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो है, जैसा कि एच क्या है, एच प्लैंक कांस्टेंट है जैसा कि हम जानते हैं। सी क्या है, सी लाइट है, सी 3 × 10⁸, ठीक है। डेल्टा ई क्या है, इनर्जी, दिस ये वाला देख लो जो अभी हम निकाले हैं वो इनर्जी आया है। तो वेवलेंथ हमको निकालना है और सारी वैल्यू हमको पहले से पता है, क्लियर है ना। तो हम इस वैल्यू को पुट करते हैं 6.626 इंटू 10 के पावर माइनस 34, ये आपको याद होना हो गया होगा अब तक, है ना, नहीं याद हुआ है बोलो, याद हुआ होगा। यहाँ पे देखो डेल्टा ई है तो ई की वैल्यू यहाँ पे 4.5 है, 4.55 इंटू 10 के पावर माइनस 19। अब ये माइनस 19 को जब ऊपर लेके जाएंगे प्लस 19 होगा, माइनस है प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस 19 होता तो जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इससे डिवाइड करो तो आएगा 3.647। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं माइनस 34 प्लस 8 माइनस 19 जब हम करेंगे 10 पावर माइनस 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हम ऐसा कर चुके हैं, ठीक है, माइनस 7 आएगा। अब यहाँ पे देखो 3.64 है ना, 7 इंटू 10 के पावर 10। अगर क्वेश्चन में आपके, सॉरी आपके अगर बुक में आंसर इतना दिया होता तब तो क्लियर है, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन एंगस्ट्रॉन में दिया है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, वन एंगस्ट्रॉन में कितना होता है, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। वन एंगस्ट्रॉन में 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, ये आपको पता होगा, ये फिजिक्स में भी मिलता है और केमिस्ट्री में भी। अब यहाँ पे देखो लेमडा
इक्वल टू 3647 इंटू, यहाँ पे इंटू क्यों, 1 एंगस्ट्रॉम कर दो ना, क्यों, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है, तो हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना आएगा, तो यहाँ पर हम लेमडा इक्वल टू 3647 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ, और ये लेमडा की वैल्यू मीन्स वेवलेंथ की वैल्यू इतना आपका आया। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्लियर हुआ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर केमिस्ट्री भाषा में बोलूं तो अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे और सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोल रहे हैं टेंडेंसी आती है ना, और अच्छा वीडियो बनाने की टेंडेंसी आएगी। तो हम आप लोगों को और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करा के सेंड करेंगे, अगर आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी आएगी और एक्सरसाइज सॉल्व करवाने की, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10^7 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमको वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, जैसा कि वेलोसिटी आपको गिवन है 2.05 इंटू 10^7 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे चलो, जैसे यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है, वेवलेंथ इक्वल टू एच अपान पी होता है, तो लेमडा इक्वल टू एच अपान, जैसा कि हम लोग जानते हैं पी जो होता है मोमेंटम होता है, तो P इक्वल टू एम वी। अब यहाँ पर P की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एम वी, लेमडा इक्वल टू एच अपान एम वी। तो यहाँ पर लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल है, सुनो ध्यान से, H क्या है, H जो है प्लांक कांस्टेंट है, m क्या है, m जो है मास ऑफ पार्टिकल्स है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स है, क्लियर। जैसा कि अब हम लोग मास कितना होता है 9.10 इंटू 10^-31 kg, v गिवन दिया हुआ है, H एज प्लांट कांस्टेंट है जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो चलो वैल्यू को पुट करो, एच 6.626 इंटू 10^-34 बाई एम की वैल्यू क्या होती है, मास 9.10939 इंटू 10^-31 kg इंटू 2.05 इंटू 10^7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ से अगर हम 2 को कैंसिल करें कटेगा, बट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको और इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखो 6.626 इंटू 10^-34, अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा माइनस का 7 प्लस का 31 बाई 9.10। यहाँ पर हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9.2 भी कर सकते हैं इंटू 2.05, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों को माइनस करके मीन्स ऐड करेंगे, अब यहाँ पे देखो 3.54 इंटू 10^-10 मीटर आएगा।
इसको जब हम मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बार जाएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, पॉइंट बार में जाएगा 3548 इंटू 10^-10 मीटर। ठीक है, जब हम इस 3 को, ये 3 और 5 के बीच में इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे तब देखो क्या आता है, 3.548 इंटू 10^-11 हो जाएगा, क्लियर मीटर। अब यहाँ पे ये क्या आया, वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। इसमें इस सब क्वेश्चन में क्या है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, और तो सब इजी है, बस फार्मूला रखो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है, और क्वेश्चन भी यहाँ से मैक्सिमम, अगर जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देगा, लेमडा की वैल्यू 2 नंबर में भी पूछ सकता है, और ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10^-31 के जी इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर यहाँ पे K इंटू E लिखा है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10^-25 जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। अब इसमें देखो मास इतना गिवन है, काइनेटिक एनर्जी दिस गिवन है, कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ मीन्स लेमडा। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। अब यहाँ पे देखो मास की वैल्यू 9.1 इंटू 10^-31 के जी गिवन है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन से हम लोग वेवलेंथ को निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी, एम वी यहाँ पर पी इक्वल टू, पी जो होता है मोमेंटम होता है, पी इक्वल टू एम जो होता है मास होता है, वी जो होता है वो वेलोसिटी होता है, क्लियर। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी, हमको वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू 3.0 इंटू 10^-25 जूल दिया हुआ है बुक में गिवन। अब यहाँ पर हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर को पुट करेंगे। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये है 2, देखो काइनेटिक एनर्जी यही रहने दो, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, जब यहाँ आएगा इधर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एम जो है वो अपान में आ जाएगा, और यहाँ पे वी स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे देखो V को इधर करो, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई M, अब V स्क्वायर है तो V स्क्वायर जब हम लोग इसके ऊपर लाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा ना। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो दिया हुआ है उसको रखेंगे, मास जो बुक में गिवन है उसको रखेंगे, तब यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। अब देखो 2 हम लोग रखे, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, 3.0 इंटू 10^-25, एम की वैल्यू क्या है 9.1 इंटू 10^-31 के जी ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब रूट में है ना, तो अब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो v इक्वल टू इन का मल्टीप्लाई करके इससे जब हम डिवाइड करेंगे 6.58 इंटू 10^4 आएगा, इतना बचेगा ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 इंटू 9.1 का जब हम डिवाइड करेंगे
तो आएगा इतना, ठीक इतना आया। अब इसको जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो v की वैल्यू 811.579 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये अभी आपका क्या आया, वेलोसिटी आई। अब हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। अब यहाँ पे लेमडा इक्वल टू एच बाई एम वी होता है, तो वी की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 811.579 आया था वी की वैल्यू। एम की वैल्यू गिवन है 9.1 × 10⁻³ के जी मास, और एच एच की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 6.626 × 10⁻³ होता है। इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो लेमडा इक्वल टू कितना होगा, एच की वैल्यू ऊपर है 6.626 × 10⁻³ बाई एम 9.1 × 10⁻³। एम कितना है, इतना है, क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे जब हम डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो आएगा 8.9626 × 10⁻⁷ मीटर। ये क्या आएगा, ये आपका वेवलेंथ आएगा। वेवलेंथ मींस लेमडा की वैल्यू आपका ये आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू मीटर में आएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na प्लस K प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस H2 माइनस Sr। अब यहाँ पर ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग कोई भी कंपटीशन देंगे, जैसे नीट का अगर आप लोग एग्जाम देंगे, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आता है। एक नंबर नहीं, वो ऑप्शन का रहता है, 3 नंबर का या 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, जिसमें ऐसे दे दिया रहेगा और उसमें आपको बताना रहेगा कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम दे दिया, उसके साथ बेरिलियम दे दिया, ऐसे दे देगा। और ये BHU BSc के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए यहाँ से आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो टॉपिक होता है यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, और यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। इसलिए एग्जाम देने से पहले, अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो एग्जाम देने से पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आने का चांस रहता है। अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से क्वेश्चन कोई किसी न किसी ईयर्स में जरूर पूछा गया है। और BHU BSc अगर आप लोग एग्जाम देने जाएंगे जब, तब वहां पर आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, तो इसमें का 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अच्छे से पढ़िएगा और इसको इस पे काफी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं।